हेलो। हाँ अच्छा, तुम लोग ग्राउंड में खेल रहे हो? ठीक है मैं भी आ रहा हूं। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने अपने फोन पे ये रिंगटोन क्यों लगाई है। दरअसल ये मेरे पापा का फेवरेट सॉन्ग है। जब भी वो इस गाने को सुनते हैं ना, एकदम जोश से भर उठते हैं। और मेरे दादू का पसंदीदा गाना है, हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। दोनों की अपनी अपनी पसंद है और मेरी अपनी पसंद है। मेरी प्लेलिस्ट में है माँ तुझे सलाम और चक दे इंडिया जैसे गाने। जब मैंने अपने गाने दोनों को सुनाए तो कहते, तेरे गाने तो ऐम ही है, ओल्ड इज गोल्ड। अब एक बार डिनर टेबल पे बैठे थे तो मुझसे रहा नहीं गया, मैंने तो दोनों को बोल दिया। मैंने दादू को बोला कि आपके कैसे गाने हैं, सेंटीमेंटल मेलोड्रामेटिक। और पापा को बोल दिया कि आपके गाने तो नर्सरी केजी के बच्चों को सिखाए जाते हैं। पापा तो कुछ नहीं बोले, पर दादू भड़क पड़े। पता क्या बोले? बोले, अरे बेटा, इसे फ्री में सबसे पहले एक मूवी दिखाई गई थी स्कूल में, सन ऑफ इंडिया, और मैं इसे मूवी दिखाता नहीं था, तो बस मुझे चिढ़ाने के लिए ये गाना मुझे सुनाता रहता है। और जो तुम बोल रहे हो ना, सेंटीमेंटल मेलो ड्रामेटिक, ये गाना हमारे देश की सच्चाई को दर्शाता है। पार्टीशन का दौर हमारे लिए अच्छा नहीं था, ना जाने कितनी कुर्बानियां देनी पड़ी थी। ये गाना हमारे दर्द को दर्शाता है। और तुम व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक वाले लोग ये सब नहीं समझोगे। अब ये सब सुन के पापा को लगा कि दादू की आंखों में पानी आ गया है। पहले तो उन्होंने मुझे डांट लगा दी, बोले, बेवकूफ गधे की औलाद, पता नहीं क्या क्या बोलता रहता है। और फिर दादू को तेवर दिखाने शुरू हो गए। पापा बोले, और क्या पापा, आप भी क्यों पार्टीशन की बातें याद कर रहे हैं? और मैं ये गाना आपको चढ़ाने के लिए नहीं गाता हूं, मैं ये गाना इसलिए गाता हूं क्योंकि मुझे ये गाना गाना अच्छा लगता है। जब भी मैं ये गाना गाता हूं, जब भी मैं वो पंक्तियां बोलता हूं, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद, मेरे अंदर एक अलग सी ऊर्जा आ जाती है। अब अगर आपको ये सब बात सुनकर लग रहा है कि सारी लड़ाई खत्म हो गई होगी, तो ये आपकी सबसे बड़ी खुशफहमी है। आइए आगे की कहानी सुनाता हूं आपको, शूज पहनते पहनते। चलिए तो किस्सा आगे बढ़ाते हैं। अब पापा की बात सुनकर दादू दहाड़ के बोले, अरे बेटा, जागृति फिल्म के इस गाने ने पूरे देश में देशभक्ति फैला दी थी, और आजकल के जमाने में जहां तुम जैसे लोग पूरे देश में नफरत फैलाते हो ना, वहीं ऐसे गानों ने हमारे पूरे देश को एकजुट करके रखा है। अब ये सब बात सुनकर पापा बोले, अरे जाने दीजिए बाबूजी, वो कमाल तो कवि प्रदीप जी और गायक हेमंत दा का था, वरना कितनों ने कितनी किश्ती तूफान से बचाई थी ये सबको पता है। अब यहां पापा ने गलती कर दी थी, अच्छे से गूगल चेक नहीं किया था। दादू को इस बाउंसर पे सिक्स मारने का मौका मिला। दादू बोले, अबे अहमक, वो गाना मोहम्मद रफी साहब ने गाया था। और फिर पापा बोल पड़े, तुझसे क्या फर्क पड़ता है, बात तो गाने की बोल की है ना। अब ये जो गाना है मेरा पसंदीदा गाना, बोलो मेरे संग जय हिंद ये शांति माथुर ने गाया था। और फिर दादू बोले, बे अहमक, नौशाद का संगीत था और महबूब खान की फिल्म, और फिल्म का नाम था सन ऑफ इंडिया, जो है तेरी फेवरेट फिल्म, जिस फिल्म के तुम इतने गुणगान गाते रहता है ना, उसमें भी गंगा यमुना की सभ्यता बसी है। अब ये सब सुन के पापा से रहा नहीं गया। पापा बोले, अरे क्या भौजी, आप भी इन सब चीजों का क्रेडिट आप इन्हें क्यों देते रहते? फिर दादू बोले, अरे क्यों ना दू क्रेडिट, टैगोर साहब ने
हमें जनगण मन जैसा इतना अच्छा नेशनल एंथम दिया है, और मोहम्मद इकबाल ने हमें सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा इतना बढ़िया नेशनल सॉन्ग दिया है, क्यों ना दू क्रेडिट। फिर पापा बोले, वो कहते हाँ वही इकबाल की बात कर रहे हैं ना जो आजादी मिलते ही पाकिस्तान चला गया था, अरे यही है इन लोग की सच्चाई। अब लड़ाई एक अलग लेवल पे पहुंच चुकी है, और मुझे पता था कि इस लड़ाई को सिर्फ एक ही चीज रोक सकती है, वो है मम्मी की मसालेदार चाय। तो मैंने मम्मी को दिया एक इशारा और खुद मैं रूम से बाहर निकल गया। सच मानो तो ये बड़ों की नौटंकी मुझे समझ में नहीं आती। आज भी सफाई कर्मचारी और पिछड़ी जाति के लोगों के बर्तन अलग रखे जाते हैं। क्यों? जब पूछो तो जवाब मिलता है, तुझे समझ में नहीं आना क्योंकि तू है बच्चा नहीं आना। वाह सियानो, बिस्किट को बिस्कुट बोल के चाय में डुबो के आप लोग भी उतने ही शौक से खाते हो जितने शौक से वो लोग खाते हैं, तो फिर उन लोग के बर्तन अलग क्यों? ऐसा नहीं है कि इन लोगों के पास जवाब नहीं है, जवाब है। ये बातें युगो युगांतरों से चली आ रही हैं, वो लोग कूड़ा गंद उठाते हैं। क्या तो मतलब अगर कोई बात सदियों से चली आ रही है तो उसे सही माने क्यों? और वो कूड़ा गंद है किसका? ये सभी सवाल मुझे बहुत परेशान करते हैं, क्या आपको भी करते हैं? हेलो, हाँ बोलू, हाँ आ गया, 5 मिनट में आ गया। अच्छा सुन ना, आंटी को बोलना जरा थोड़ा हलवा बना दे। हाँ मैच के बाद खाएंगे सब। हाँ ठीक है हाँ ओके आ गया मैं आ गया। हाँ ओके। बोलू है मेरा स्कूल फ्रेंड, सच मानो ना तो जब से लॉकडाउन खुला है और हमारे स्कूल कॉलेज ग्राउंड पार्क जब से खुले हैं, मेरी तो सांस में सांस आती है। पार्क और ग्राउंड में फ्रेंड्स के साथ जाना, उनके साथ खेलना, और स्कूल में फ्रेंड्स के साथ जाना, उनसे बातें करना, लड़ना झगड़ना, और ये सब होने के बाद एक साथ एक जगह बैठ के लंच करना, इस चीज का मजा ही कुछ और है। और हम लोग का लंच ना किसी किंग साइज बफे से कम नहीं होता। कभी कोई शाही पनीर लेके आता है तो कभी कोई मशरूम मटर, कभी कोई मिक्स वेज लेके आता है तो कोई अमृतसरी नान। पर हम में से कभी किसी ने भी ये नहीं सोचा कि वो खाना बलकार सिंह के घर से आया है या अख्तर के, राजू के घर से आया है या जॉन के, सिंधी के घर से आया है या सिद्धू के, शर्मा के घर से आया है या वर्मा के। हम तो बस खाना खाते थे और उंगलियां चाटते थे। और जब इन बड़े सियानों की बातें सुनता हूं ना तो मन करता है कि इन्हें भी एक बार स्कूल कॉलेज ले आऊं और यही स्वादिष्ट पकवान खिलाऊं, ताकि ये भी अपने उंगलियां चाटने पे मजबूर हो जाए, और तब इनसे ये सवाल पूछूं कि क्या आप ये बता सकते हैं कि किस धर्म का कौन सा स्वाद है, किस जात का कौन सा पकवान है, और ये भी पूछूं कि क्या भारत के सतरंगी रूप का कोई मुकाबला है? नहीं ना।